सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि गुजरात के शहर सूरत में आम आदमी पार्टी के नेता शेखर अग्रवाल के घर पर छापेमारी की गई और ये उसी के दृश्य है। यही कहते हुए कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो शेयर किया। वहीं ये वीडियो इसी दावे के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। सितंबर महीने में भी ये वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया गया था। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि शेखर अग्रवाल पहले कांग्रेस में थे और फिलहाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी करने का बताकर भी ये वीडियो शेयर किया गया। व्यूअर्स गौर करें कि NIA ने 27 सितंबर को PFI से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ये दावा किया गया। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने छानबीन की तो पाया कि ये दोनों दावे गलत है। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये वीडियो मिला। 10 सितंबर को ये वीडियो ट्वीट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि जमाखोरी के मामले में एक व्यापारी के यहाँ ED की छापेमारी हुई। आगे लिखा है कि कोलकाता में मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में तलाशी के दौरान ED को 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। आगे जांच जारी रखते हुए हमें इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोलकाता में एक बिजनेसमैन के घर पर ED अधिकारियों की टीम ने संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। दरअसल ये छापेमारी एक मोबाइल गेमिंग ऐप E-Nuggets के जरिए धोखाधड़ी के एक कथित मामले की जांच करते हुए आमिर खान नामक बिजनेसमैन के घर पर की गई थी। और तो और इस छापेमारी के दौरान कैश काउंटिंग मशीनें भी लाई गई थी। बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो का हिस्सा दिखता है। As for the latest update, the ED has recovered over 17 crore rupees even as the counting is still on. ED sources claim Amir Khan, son of Nasir, had launched a mobile gaming application, E-Nuggets, which were designed to allegedly defraud the users. ED ne is chhapemari ko lekar tweet bhi kiya tha, to jaisa ki aapne dekha ye video Surat mein aapke karyakarta ke ghar par chhapemari karne ka nahi hai. हमने आम आदमी पार्टी के गुजरात राज्य सचिव मनोज सोरथिया से भी बात की, जिन्होंने बातचीत के दौरान वायरल दावों का खंडन किया। साथ ही में कहा कि आम आदमी पार्टी में शेखर अग्रवाल नाम का कोई नेता नहीं है।